दोस्तों, अभी तक जो हमारे मंच का संचालन कर रहे थे, अक्सर मैं दौराने गुफ्तगू ये जिक्र कर देता हूँ कि पंडित देवमणि पांडे जी का नाजिम या मंच संचालक बनना अदब का छोटा सा एक नुकसान है, क्योंकि हस्तीमल हस्ती साहब के साथ प्रथम पंक्ति के बंबई के ये वो शायर हैं, उम्र में हमसे कम हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितनी साफ सुथरी गज़लें, जिस जबान की गज़लें वो कहते हैं, सबसे पहले तो आज के मंच संचालन के लिए बधाई देते हुए बशीरबद का एक शेर याद आता है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। क्या बात। तो जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। अब चार पंक्तियों में मैं इनका परिचय दे रहा हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और पूछना हो तो गजल वालों से जाकर पूछो कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। देवमणि, वाह वाह वाह। चलिए, चार मिसरों से शुरुआत कर रहा हूं कि कभी रातों में वो जागे कभी बेजार हो जाए, कभी रातों में वो जागे कभी बेजार हो जाए, करिश्मा हो कोई ऐसा उसे भी प्यार हो जाए। कभी रातों में वो जागे कभी बेजार हो जाए मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर रहा हूँ कि कभी रातों में वो जागे कभी बेजार हो जाए, करिश्मा हो कोई ऐसा उसे भी प्यार हो जाए, मेरे मालिक अता कर दे मोहब्बत में कशिश ऐसी, जबान से कुछ नहीं बोलूं मगर इजहार हो जाए। मेरे मालिक अता कर दे मोहब्बत में कशिश ऐसी, जबान से कुछ नहीं बोलूं मगर इजहार हो जाए। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत के बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और अभी अभी तक कुछ लोग उदास दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक शेर उन लोगों के लिए मैं नज़्र कर रहा हूँ, उदास लोगों के लिए, कि महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, मोहब्बत के बिना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, कभी तो अब्र बन कर झूम कर निकलो कहीं बरसो, कभी तो अब्र बनकर झूम कर निकलो कहीं बरसो, कि हर मौसम में ये संजीदगी अच्छी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ताज़ा गज़ल कि इसमें से आप लोगों ने कभी सुनी नहीं है, इतनी ताज़ा है कि यहाँ तक मेरे हाथ में गर्मी लग रही है। तो हाँ, तो देखिए, बहुत आसान गज़ल कि जैसे हर गुलिस्ता में तितलियाँ नहीं मिलती, जैसे हर गुलिस्ता में तितलियाँ नहीं मिलती, हर जगह मोहब्बत की बस्तियाँ नहीं मिलती, जैसे हर गुलिस्ता में तितलियाँ नहीं मिलती, हर जगह मोहब्बत की बस्तियाँ नहीं मिलती। ज़ाकिर शेर सुनो कि उम्र बीत जाती है दोस्ती की ख्वाहिश में, उम्र बीत जाती है दोस्ती की ख्वाहिश में, फिर भी कितने लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है दोस्ती की ख्वाहिश में, फिर भी कितने लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलती। चांद से हंसी चेहरे छत पे क्यों नहीं दिखते, चांद से हंसी चेहरे छत पे क्यों नहीं दिखते, मुंबई में दिल्ली की सर्दियाँ नहीं मिलती। चांद से हंसी चेहरे छत पे क्यों नहीं दिखते, मुंबई में दिल्ली की सर्दियाँ नहीं मिलती। और खुश नसीब शौहर तो सिर्फ वो ही होते हैं, खुश नसीब शौहर तो सिर्फ वो ही होते हैं जिनको अपनी बीबी की, आप बताइए, वो उन्होंने कहा गालियाँ नहीं मिलती। खुश नसीब शौहर तो सिर्फ वो ही होते हैं, ललित जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जिन खुश नसीब शौहर तो सिर्फ वो ही होते हैं जिनको अपनी बीवी की गालियाँ नहीं मिलती। ललित जी इशारे से बोल रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है ना,
हाँ ये देखिए, चलिए ये आप वाला वर्षन पढ़ देता हूँ कि बदनसीब शौहर तो सिर्फ वो ही होते हैं जिनको अपनी बीवी की गालियाँ नहीं मिलती, ये भी है ना। और बच्चे दो ही अच्छे हैं जब से ये चलन आया, बच्चे दो ही अच्छे हैं जब से ये चलन आया, आजकल के दूल्हों को सालियाँ नहीं मिलती। बच्चे दो ही अच्छे हैं जब से ये चलन आया, बच्चे दो ही अच्छे हैं जब से ये चलन आया, आजकल के दूल्हों को सालियाँ नहीं मिलती। उंगलियाँ मोबाइल की जब से हो गई आदि, उंगलियाँ मोबाइल की जब से हो गई आदि, SMS तो मिलते हैं चिट्ठियाँ नहीं मिलती। उंगलियाँ मोबाइल की जब से हो गई आदि, SMS तो मिलते हैं चिट्ठियाँ नहीं मिलती। कद्रदान कविता के आज भी सलामत हैं, ललित जी आपकी नज़र कि कद्रदान कविता के आज भी सलामत हैं, हाँ मगर वो पहले सी तालियां नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कद्रदान कविता के आज भी सलामत हैं, हाँ मगर वो पहले सी तालियां नहीं मिलती। देखिए ये 2 मिनट की एक नज़्म है नवीन चतुर्वेदी की फरमाइश में, बोले कि हमारे चतुर्वेदी बंधु इसको बहुत पसंद करेंगे। हुआ यूँ कि मेरे पड़ोस में एक दादी जी गुजर गई, तो दादाजी 70 साल के बड़े उदास थे, तो उनके ग्रैंड सन पोते ने उनको मोबाइल ऑपरेट करना और फेसबुक पे फ्रेंड बनाना सिखाया। तो आगे क्या हुआ उस पे जो है ग्रैंड सन ने एक कविता लिखी, तो वो नज़्म दादाजी की गर्लफ्रेंड, दादाजी की गर्लफ्रेंड कि बस 2 मिनट की छोटी सी कविता है कि फेसबुक पर बहुत बिजी हैं रोज़ हमारे दादाजी, गर्लफ्रेंड मिल गई है उनको, खुश हैं प्यारे दादाजी। फेसबुक पर बहुत बिजी हैं रोज़ हमारे दादाजी, गर्लफ्रेंड मिल गई है उनको, खुश हैं प्यारे दादाजी। रोज़ सवेरे गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग फरमाते हैं, रोज़ सवेरे गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग फरमाते हैं, फ़ोटो उसकी देख देख कर दादाजी शर्माते हैं। रोज़ सवेरे गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग फरमाते हैं, फ़ोटो उसकी देख देख कर दादाजी शर्माते हैं। पिज्ज़ा बर्गर और पास्ता पोस्ट लगाते दादाजी, गर्लफ्रेंड को रसगुल्ले भी रोज़ खिलाते दादाजी। पिज्ज़ा बर्गर और पास्ता पोस्ट लगाते दादाजी, गर्लफ्रेंड को रसगुल्ले भी रोज़ खिलाते दादाजी। कभी कभी उसकी जानिब से जोक्स अगर आ जाते हैं, कभी कभी उसकी जानिब से जोक्स अगर आ जाते हैं, हंसते हंसते दादाजी तब लोटपोट हो जाते हैं, और अपने मन का खाली कोना दादाजी यूं भरते हैं, अपने मन का खाली कोना दादाजी यूं भरते हैं, ढूंढ ढूंढ कर प्यार की गज़लें उसको शेयर करते हैं। अपने मन का खाली कोना दादाजी यूं भरते हैं, ढूंढ ढूंढ कर प्यार की गज़लें उसको शेयर करते हैं। उनके दिल में क्या है आखिर, एक दिन वो भी जान गई। उनके दिल में क्या है आखिर, एक दिन वो भी जान गई, दादा ने प्रपोज किया तो गर्लफ्रेंड भी मान गई। आखिरी लाइनें हैं कि उनके दिल में क्या है आखिर, एक दिन वो भी जान गई, दादा ने प्रपोज किया तो गर्लफ्रेंड भी मान गई। खुश हैं सारे यार दोस्त, शहनाई बजने वाली है, खुश हैं सारे यार दोस्त, शहनाई बजने वाली है, गर्लफ्रेंड अब दादी बनकर घर में आने वाली है। खुश हैं सारे यार दोस्त, शहनाई बजने वाली है, खुश हैं सारे यार दोस्त, शहनाई बजने वाली है, गर्लफ्रेंड अब दादी बनकर घर में आने आने। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। सत्यमेव जयते में ऐसा ही एक एपिसोड आमिर खान का भी था, हाँ वो दादाजी की शादी, उनके बच्चे